सैनिक दिनेश कुमार, मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी कश्मीर में सैनिकों की क्या स्थिति थी? कंधे पे बंदूक, पिट्ठू पीठ पे, और सिविलियन आतंकवादी उन्हें लात मारते थे और ये सरकार मूक दर्शक बनी देखती रहती थी। क्या ये माफी मांगेंगे? इस कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? अंग्रेजों ने भी इतना जहर और इतना लूट और खसोट और डकैती नहीं किया होगा जितना मोदी जी ने 10 साल में लूट खसोट और जहर फैलाने का काम किया है। देखिए, आप अपनी बात कहेंगे तथ्यों के साथ कहेंगे, ये सिर्फ नहीं कहते कि उन्होंने लूट खसोट किया, उन्होंने जहर फैलाया। बिल्कुल, अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया होगा जितना मोदी जी ने 10 साल में किया। अब आया, अब आ रहा हूं, अब आऊंगा, अब आऊंगा, नहीं अब आऊंगा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा जहर फैलाया गया। जब कश्मीर में सैनिकों को लातों से मारा जाता था तो मेरे को पीड़ा होती थी, मेरे पिताजी रिटायर्ड सैनिक है। जब कांग्रेस का शासन था तो मेरे पिताजी को 3000 रुपये महीना पेंशन मिला करता था, आज 30000 रुपये मिलता है ओआरओपी के कारण। तो मैं क्यों नहीं भाजपा को जयकार करूंगा? आज बीजेपी के राज में, आज बीजेपी के राज में सैनिकों को गोली चलाने के लिए परमिशन नहीं लेना पड़ता था। कांग्रेस के राज में सैनिकों का हाथ बांध दिया जाता था, सौरभ कारिया का गर्दन काट दिया जाता था, उसकी आंखें निकाल ली जाती थी। अच्छा, उस समय छक्कन मियां को दर्द नहीं होता था, उस समय छक्कन मियां को मजा आता था, ये सच्चाई है। आज इनको जहर दिखता है, आज हमारा सैनिक मजबूत हो रहा, भारत विश्व में सैनिक शक्ति में 3रा नंबर पे है, वैज्ञानिक शक्ति में 3रा नंबर पे है। डीआरडीओ हमारा, क्या नाम हो गया आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी ने अब मैगजीन खाली कर दी अपनी। अभी मैगजीन खाली नहीं हुआ, अभी नहीं है, बहुत मैगजीन। अरे रखो अभी संभाल के। देखिए एक चीज है कांग्रेस, मैं एक चीज है, एक चीज बात, मैं सिर्फ रंजीत भाई एक बात कह के जाना चाहता हूँ जो की बहुत उसूलन सही बात है, और वो ये की मैल मत रखना, मैल मन में अंदर न रखना, बाकी बात कहो, अंदर जहर नहीं, मैल कोई नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही डीएनए ना, सबका एक ही है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, रुकिए हाथ नीचे रखिए, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि शो आपका क्या है। मैंने कहा मेरा शो पॉलिटिकल शो नहीं है, पॉलिटिकल शो होता तो चुनाव के समय शुरू होता, चुनाव के बाद खत्म हो जाता, मैं तो रोज करता हूं। सर कहने के कोई हिचक नहीं, मेरी जबान नहीं लड़खड़ाती, डीएनए एक ही है, आप भी वही हैं, वो भी वही हैं, ये भी वही हैं और हम भी वही हैं, सब वही हैं, बस ठीक है उपासना की पद्धति अलग अलग है, बाकी हैं सब वही। आप चीजों को जब तसल्ली के साथ सोचते हैं ना, तब चीजें आपको सुलझी हुई नजर आती हैं। जितना उलझाओगे पतंग की डोर उतनी उलझती चली जाएगी। मेरा काम तो ये है कि सिर्फ बताएं। जी जी बोलिए सर। अभी आप तो खाली कांग्रेस और बीजेपी में ही फंसे हुए। मैं इसलिए फंसा हूं क्योंकि दो समाज सेवी आ गए एकदम से आज। वो क्या रहा ना, भगदड़ आप करवा रहे, हो नहीं रहा है। नहीं, मैं तो गलत आदमी हूँ, मैं तो गलत आदमी। सच्चाई ये है कि जो पिछले 10 साल में अच्छा हुआ तो उसको स्वीकार करें, और अपने जो 4.5 साल में जो राज्य सरकार में जो अच्छाई हुई उसको भी स्वीकार करें, और जो गलत हुआ उसको भी स्वीकार करें। मेरा एक ही पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट आपसे है कि डबल इंजन की जो सरकार ट्रेन होती है उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि दूरी को तय करना है कम समय में पूरा लोड लेके। तो हम लोगों की इच्छा पहले, हमारे 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार थी, वहां मोदी जी थे, यहां रघुवर जी थे। आज देखिए परिस्थिति क्या हुआ है, 4 साल में पूरे राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पूरा 4 साल सिर्फ घोटालों में ही चले गया, हम उसी में लूट खटोस में चले गया। प्रगति क्या होगी, उन्नति क्या हो गया? तो आम जनता को चाहिए क्या? आम जनता को चाहिए कि सरकार एक सरकार हो, चाहे राज्य में हो या देश में हो, सरकार एक सरकार हो जिससे प्रगति होगा, देश में उन्नति होगा। लोग पूछते कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज में सिर्फ एक आदमी ऐसा होना चाहिए, एक ही से काम चल जाएगा, जो बहुत तटस्थ हो। बहुत मुश्किल काम है, सरल नहीं है, बहुत मुश्किल काम। मगर जब तमाम देश देख लेता हूं लौट के, तो एक दो लोग मुझे मिलते हैं जो बहुत तटस्थ होकर देख पाए चीजें। हम कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं, तटस्थ होना सीखिए, चीजें अपने आप दिखेंगी और अपने आप बेहतर होती नजर आएंगी। आप तो बोल चुके थे, नहीं बोले थे। अच्छा, नाम क्या हो गया आपका? राम अवतार अग्रवाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं साहब? बिजनेस
अब बिजनेस तो हो गई होगा जी। मैं सब नेता लोग से पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं कि निर्दोष बेटियों का क्यों देश में कत्ल किया जाता है? निर्दोष बेटियों का आए दिन, अभी बेंगलोर में हुआ, कभी कहां होता है, कभी दिल्ली में होता है, हर दिन निर्दोष बेटियों का कत्ल होता है जो एकदम निर्दोष है किसी भी वजह से। ये मैं अग्रवाल साहब आपके सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये होना चाहिए कि जो निर्दोष है या कोई भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार,